भ्रष्टाचार के दलदल में ग्राम पंचायत मकसोहा, अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। जहां एक ओर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को खुले में शौच मुक्त का दंभ भर रहे हैं और बड़े बड़े विज्ञापनों में प्रदेश को श्रेष्ठ श्रेणी का दर्जा दिला रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी की अधिकांश ग्राम पंचायतों के लोग आज भी इज्जत घरों से वंचित हैं। इसकी वानगी देखनी है तो चले आइए मुख्यालय से महज 15 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्लॉक फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत मकसोहा में। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व प्रधान गुरमीत भुल्लर ने अपने कार्यकाल में सरकारी धन का इस कदर बंदर बांट किया की पात्रों को अपात्र व अपात्रों को पात्र दिखा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। यहाँ पर इज्जत घर तो छोड़िए, तिरपाल व छप्पर के नीचे आज भी लोग अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। आइए देखते हैं ग्रामीणों की जुबानी। जी आपका नन्नी देवी। नन्नी देवी कहाँ निवासी हैं आप? मकसोहा के। मकसोहा के। जो आप मतलब आवास का जो प्रकरण चल रहा है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आपका आवास आया था तो अभी तो बनता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ कुछ नहीं बना। आवास आपका आया था? आवास आई रहे तो हम खाले का कुछ है मक्कू का हरदुआ का चली गए। नहीं, आपका आवास दूसरी जगह चला गया है। दूसरी जगह चली गए है। हाँ। हमारे यहाँ नहीं आई। तो मतलब आपको क्यों, जब आपका आवास आया था तो बनना तो आप ही के यहाँ चाहिए था? हमारे यहाँ नहीं आई और मिलकर हम पठवाई दी। मतलब किसने पहुँचवा दिया? तो आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी प्रधान से या कोई नहीं बात किए थे आप? प्रधान से नहीं बात भाई, जब प्रधान ही नहीं देखे से तो बात किसे करिए। नाम आपके था आवास, आपका आवास आया था तो दूसरे को उठा के कैसे दे दिया गया? जान मिला है कि आवास हम तो चली गई। तो किसी उच्च अधिकारी से की शिकायत की है? डीएम से, सीडीओ से, वीडियो से? की नहीं, की नहीं। किसने की है? बाबूराम। बाबूराम ने की है। तो उस पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? शिकायत कार्रवाई आई है निकले हुआ कुछ भाई भाई नहीं किया कुछ कार्रवाई भाई कहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई नहीं भाई कार्रवाई मतलब चल रही है चल रही मैं भवा कुछ नहीं है। तो प्रधान जी ने क्या मतलब कुछ पैसे ऐसे डिमांड की थी किस लिए आपका? 30,000 उनका मिला होते तो हमका देती। अच्छा, मतलब जितने आवास दे रहे हैं उसमें सब में 20,000 रुपए 30,000 रुपए मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं तो हम रहते जब भाई नहीं तो हम दी कहाँ से। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? हमारे हुई कम से कम 30 साल। हाँ, 30 दिन ज्यादा हुई। शौचालय वगैरह कोई सुविधा कोई लाभ कुछ नहीं दिया? शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? सब क्या ख्यातन में जाए थे तो जी का जो कही तो बैठे दे, जो कही नहीं बैठे दे। आज भी आपके यहाँ शौचालय नहीं बनवाया है? कुछ नहीं बनवाए। नहीं, छप्पर पे फूस भी नहीं है आपके, क्या कहना है आपका? हमारा यू बनवावा यू। किससे कहेंगे, प्रधान से कहा एक बार? प्रधान से नहीं कहे हैं तो प्रधान सुनते कहाँ? प्रधान सुनी नहीं रहे कुछ तले दौड़ रहे बराबर पावन गिरती है और अटे दे दो तो दोबारा झाके नहीं आवत। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिजवान। क्या कहना है आप, आवास आवास नहीं बना है आपका? आवास क्या बने, मोदी जी कह रहे हैं कि गांव का देश का विकास होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या ड्रामेबाजी है जी? प्रधान सुन रहे हैं ना, मोदी सुन रहे हैं ना, योगी सुन रहे हैं, यहाँ गांव वाले जनता सब परेशान है कि नहीं नहीं नहीं, योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को ODF गांव घोषित कर दिया, सबको शौचालय मिले हैं, सबको आवास मिला है, तो आप लोग ऐसे झोपड़ी क्यों रह रहे हैं? शौचालय ना मिला है हमको ना आवास मिला है तो हम क्या समझेंगे कि मोदी जी क्या योगी जी बोल रहे हैं? क्या प्रधानों पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है? अच्छा, तो यहाँ के प्रधान क्या क्या नाम है प्रधान का? पूर्व प्रधान थे गुरमीत सिंह। कौन सी है ग्राम पंचायत, कौन सी है ये? आवास आवास के लिए कहीं अप्लाई किया था? कहा कि हमारे पास आईडी दे जाओ, आकर के फोटो वोटो सब खींच लेंगे घर के। हाँ। बंगले के फोटो खींच लेंगे और कहने लगे कि आवास तुम्हारी आएगी और इस साल हम बनवा देंगे। फिर वोट लेने के चक्कर में चक्कर काटते रहे और वो फिर बोले कि अब भैया नहीं बन पाएगा, अब हमारा बस्ता जमा हो गया है, दो तीन महीने रह गए हैं। अब जो उनकी प्रधानी गुरमीत की चली गई, गुरमीत सिंह हार गए, सीट ही नहीं है लड़ने के लिए। जी जी जी। अब जगदीश जीत गए तो जगदीश के पास भी जाया जाता तो वो कहते हैं कि सारे जो मेंबर थे उन्होंने साइन किया है कि इस मकसोहा में कोई विकास ही नहीं हो सकता है। अच्छा, BDC और ये सब जितने मेंबर हैं ये सब इनका लोगों का कहना है कि वहाँ पर साइन करके आए हैं पिछली 5 वर्षों में जी। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अरे, आपके यहाँ आवासों में कुछ घोटाले पाए गए हैं जिसकी FIR मुकदमे लिखाए गए हैं, वो सच तो है? क्या गुरमीत जी ने ऐसा किया है? किया है, 5 लाख रुपए डांट भी दिया है उन्होंने और उसको केस को दबवा दिया है और राजीनामा कह रहे थे करवाने के लिए, तभी हम लोगों का नहीं बना, कहने की श्याम अली का नहीं बनेगा तो तुम्हारा भी नहीं बनेगा, तुम उनके भांजे हो। इस गाँव में ये बहुत देखने में मिला जिसे इनका आवास है, इनके पिताजी का नाम से
फेम है वो दूसरी जगह लगा करके मार्का लगा करके और जो है नाम बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया, सेक्रेटरी भी पैसा ले लेता है उसमें। और ये अगर जाती है 1,20,000 तो कहते हैं 20,000 हमको दे दो। अच्छा ये मामला, अगर नहीं कोई देने वाला है तो कहते हैं कि जब निकल आएगा तब देना। बैंक के पास झोला लेके खड़े होते हैं पैसा वसूली करने के लिए। बैंक जब पैसे आपने निकाले नहीं वो पहले खड़े हैं। जब लाभार्थी जब बैंक जाता है अपने पैसे लेने के लिए तो साथ में जाते हैं, तो साथ में जाते हैं, किताब ले लेते हैं पहले ही जी, कि हमारे पास किताब जमा करो, हमें ये करना है वो करना है। फिर जब वहाँ पैसे निकलवाते हैं तब कहते हैं कि हमको 20,000 झोले में डालो। उनका एक लड़का झोला लेके खड़ा रहता है बैंक। क्या कहेंगे शासन और प्रशासन से आप अपने ग्राम पंचायत के विकास को लेकर? कि हमारा सब गरीब भाई और सारा जनता है जहाँ का, जब खुशहाली से रहे और जो अच्छा रोड वोड बन जाए तो गंदगी ना फैले। जब गंदगी फैलती है तो उसी को कोरोना दे दिया। अच्छा शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं दूसरे के। जब उसकी फंसी लगी होती तो गाली देके वो भी भगा देता है। क्या कहना है आप इस झोपड़ी में रहते हैं? आवास आवास नहीं मिला क्या आपको? शौचालय तो मिली है 2019 में। अच्छा तो क्या आवास क्यों नहीं मिला? आवास पता नहीं कहाँ नहीं मिल रही। जो वजह है देखो, जिनके पास 10-10 एकड़ खेती उनके आवास बने पड़े हैं। कौन सी है ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत मकसोहा। अच्छा कौन है प्रधान इस समय? जगदीश। तो अभी तक किसी प्रधान ने आपका मतलब आवास नहीं बनवाया? कोई मतलब नहीं। अच्छा तो आपने इसके लिए आपने कहीं कुछ कहा है किसी से? कहूँ कुछ ना कहना, किस बार 10-76 पर कंप्लेन करें खाली बस। अच्छा तो चलिए ठीक। नाम है आपका? मैं राजबानी। ये आवास आप ही का है? हाँ हमारा है, वो आवास है इनका। अच्छा ये इनका है। हाँ। तो ये झोपड़ी में रह रहे हैं, इनने आवास में फार्म डाला था, इनका आवास आया, जानकारी मिली, इनका आवास दूसरी जगह बन गया, तो दूसरे गांव में? दूसरे गांव में है, खाली गांव बन गया। खाली गांव बन गया। इनका आवास किसने बनवाया है? श्याम मलिक नाम पे बना है। हाँ। तो जब आवास यहाँ का था तो वहाँ कैसे बन गया था? अब यही का जो कोई दिया हो वो जाने काटी पीटी के रे कैसे बना। नहीं तो क्या मतलब आवास के नाम पे कुछ पैसा सुविधा शुल्क वगैरह मांग रहे थे? वही हमसे कुछ नहीं मांगे। यूँ कुछ नहीं कही, कॉलोनी वहाँ चली गई, वहाँ चली। तो इसके लिए आपने शिकायत मतलब प्रधान से कहा नहीं था कि हमारी कॉलोनी दूसरे के दे दी है आप? तो हम यह बात कहें तो बहुत लफड़ा भवा, जब तब कहें तो कह लगे वहाँ चली जी। हाँ तुमका हम दे दी लेट, हमका बोलाइन वहाँ उनके यहाँ, तब कहीं नहीं तुम 2 लेटर ले लो, 40,000 रुपया ले लो और राजीनामा कर लो, हम के हम नहीं कर। तो राजीनामा के आपने मुकदमा लिखवाया था? मुकदमा जैसे चल रहा है या बात जैसे पैसा लेके दबे गवा। हम लोग गरीब आदमी पैसा ही नहीं दे पाए। आप लोग यहीं ऐसे रह रहे हैं, लेटरिन भी नहीं बनी है? ना लेटरिन नहीं बनी है, कहूँ पर देख लो। तो मतलब क्या कहे लेटरिन के बारे में क्या कहना था? प्रधान जी ने लेटरिन क्यों नहीं बनवाई? कुछ कोई दे भाई नहीं किस, हम का लोगों ने कोई दे भाई नहीं किस, कैसे इनका कुछ हुई भाई नहीं। तो क्या पैसे मांगते हैं बनवाई एवज में? कुछ लिस्ट में यहाँ कहते नाम ही नहीं लिस्ट में। आवास पता नहीं कहाँ मिल रही। जो वजह है देखो, जिनके पास 10-10 एकड़ खेती उनके आवास बने पड़े हैं। कौन सी है ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत मकसोहा। अच्छा कौन है प्रधान इस समय? जगदीश। तो अभी तक किसी प्रधान ने आपका मतलब आवास नहीं बनवाया? कोई मतलब अच्छा तो आपने इसके लिए आपने कहीं कुछ कहा है किसी से? कहूँ कुछ ना कहना, किस बार 10-76 पर कंप्लेन करें खाली बस। अच्छा आवाज। उधर जहाँ एक ओर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिक्रमणकारियों पर अपना हंटर चला रहे हैं व बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लॉक फूलबेड़ की ग्राम पंचायत सिसैया पूर्वा के मजरा जमुनिया में ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमणकारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने यहाँ के रास्ते व खलिहानों सहित चकमार्गों को भी नहीं छोड़ा है। ग्राम प्रधान जयदेवी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी खीरी को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत भूमि से कब्जा हटवाए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का। जी विजय, कहाँ निवासी हैं आप? सिसैयापुरवा। सिसैयापुरवा गांव कौन सा लगता है आपका? सिसैयापुरवा लगता है। मजरा? मजरा जमुनिया। जमुनिया क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि सर ये खाली दिखावते हैं और यहाँ फसल खड़ी है। क्या खाली दिखाते हैं? ये कहते हैं सड़क के उधर सब खाली है, रास्ता और चक रोड खरिहान। अच्छा और मतलब ये नक्शा है हमारे पास जी। ये सड़क के पश्चिम कहते हैं पूरब खाली है,
देखिए ये नक्शा है साहब, इसमें सड़क के पूरब जो है खाली दिखाया गया है। हाँ। मौके पर धान की फसल लगी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कहाँ पे लगी है भैया? देखिए ये फसल लगी है। ये नक्शा यहीं का है? हाँ, यही का है नक्शा। 124 नंबर रास्ता है सर, 124 नंबर रास्ते में दर्ज है। नहीं, ये जो है ये सीलिंग की जमीन है? नहीं, ये रास्ते की जमीन। अच्छा, रास्ते का। हाँ। रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा है? अवैध कब्जा है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है क्या? शिकायत 4 सालों से डीएम एसडीएम और जिला अधिकारी, कई तहसीलदार, कई अधिकारियों को हमने आवेदन पत्र दिया। तो उस शिकायत पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं होती, रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर दिया जाता है। आख्या जो है, आप लोगों को कहना है कि आख्या फर्जी आख्या लग रही है, लोगों से पैसा लग करके गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। नहीं तो यहाँ मौके पर कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है? आए, वो यथास्थिति कहे, फिर बाद में पैसा, इन्होंने पैसा लेकर के साठ गांठ करके फिर अपना फसल बोना शुरू कर दी। तो आप लोगों ने क्या इसका कोई न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया? इसका मामला हाईकोर्ट तक है। अच्छा, हाईकोर्ट है। हाँ, तो क्या जजमेंट आया उसका? हाँ, जजमेंट आया, वहाँ से भी खाली दिखाया गया कि खाली है। हाईकोर्ट वाला दिखाओ। हाईकोर्ट का जजमेंट है आपके पास क्या? हाँ है, उसमें भी खाली दिखाया गया है, लेखपाल बता रहे हैं खाली करा दिया गया है। अच्छा, आपके जो ये स्थानीय लेखपाल, अच्छा ये जजमेंट आ चुका है आपका? ये आ गया है कि वहाँ 90 दिन में खाली कराओ, तो खाली के बजाय यहाँ तार और सब धान लगाए दिए गए खाली कराओ के बाद। तो ये जजमेंट जब आया था? हाँ। तो उसके बाद भी ये खाली नहीं हुआ? ये सामने नहीं का हुआ सर। ये जो सामने सब दिख रहा है, ये सामने यही सब है? हाँ, यही सब है। ये सब अवैध कब्जा? अवैध कब्जा है। ये सब अवैध कब्जा है। तो इसकी लेखपाल से आपने शिकायत की है क्या? लेखपाल से, तहसील? नहीं, लेखपाल अभी जब मौके पाए, जब ये आदेश आपका आया है, उसके बाद बताने लगे बरसात का समय है, समय नहीं कर पाएंगे, बरसात जाने दो फिर होगा। नहीं तो इतना सब, जिसे हाईकोर्ट का निर्णय भी आ गया, उसके बाद भी ये खाली नहीं हो रहा है? तो मतलब क्या मंशा हो सकती है? मंशा ये है सर कि पैसा ले लेते हैं ये लोग। क्या लेखपाल जी पैसा लेते हैं? लेखपाल भी ले लेते हैं, कानगो भी ले लेते हैं, नायब भी ले लेते हैं। अच्छा, लेखपाल विभाग के पैसे लेते हैं। अच्छा।